तभी। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है उसमें किस कोर्स में के जो कॉलेज हैं या फिर जो एफिलेटेड, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। डिटेल्स जानने के लिए इसको लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगी, कोई भी अपडेट होगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो 2020 है और 2021 के लिए है, उसके लिए जो मानक शुल्क है वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ पे निजी क्षेत्र के डिप्लोमा स्तरीय तक में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क, निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें, तो यहाँ पे आप देख पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम जो है उनके लिए आप देख सकते हैं डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका रुपये है, त्रिवर्षीय कोर्स जो है उनके लिए। डी फार्मा के लिए आपका 45,000 रुपये है, डी आर्की के लिए आपका है 30,250 रुपये है, और डी एच एम सी टी के लिए आपका 31,300 रुपये है। ओके, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं निजी क्षेत्र के डिप्लोमा से तकनीकी संस्थाओं में 2 वर्षीय डी फार्मा को छोड़कर एवं 1 वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क, मतलब जो 2 वर्षीय हैं और 1 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है डी फार्मा को छोड़कर उनके लिए जो यहाँ पर शुल्क लिखा गया है वो आपका है 2 वर्षीय एवं 1 वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क डी फार्मा के अतिरिक्त, डी फार्मा को छोड़ करके 22,500 रुपये फीस यहाँ पे आपको मिल जाएगी निजी क्षेत्रों के लिए। उसके बाद जो आपके एडेड कॉलेज हैं और उनके लिए जो मतलब सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज हैं, सहायता प्राप्त जो डिप्लोमा तकनीकी स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का जो शुल्क है वो आपके समस्त शुल्क जो हैं वो आपके लगभग 19,000 रुपये है। ओके गाइस, तो ये आपके मैंने आपको बता दी कि जो निजी क्षेत्र के कॉलेजेस हैं उनमें और जो सहायता प्राप्त है उनमें कितनी फीस आपको लगती है। अगर आपका कोर्स 3 वर्षीय है तो उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपके 2 और 1 वर्षीय कोर्सेज हैं तो उनके भी लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपका डिफार्मा से संबंधित कोई कोर्स है तो उसके लिए भी फीस मैंने आपको बता दी। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी पॉलिटेक्निक के लिए रजिस्ट्रेशन, लेकिन अंतिम डेट मतलब जो लास्ट डेट है उसके लिए वो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ क्या है इस समय। तो गाइस जो लास्ट डेट है लास्ट 16/3/2020, यानी कि अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी आपको इसे 16/3/2020 ऑनलाइन वगैरह नहीं है वो उसको तैयार करके आपको रजिस्ट्रेशन करा लेने हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।